नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भीलवाड़ा में अवैध वसूली का खेल सामने आया है। अवैध वसूली करने वाले दस्ते को विधायक ने पकड़ा है। मावली विधायक धर्म नारायण जोशी जयपुर से उदयपुर जा रहे थे। भीलवाड़ा के पास परिवहन दस्ता वसूली कर रहा था और इसी दौरान धर्म नारायण जोशी की निगाह इस दस्ते पर पड़ी। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। अवैध वसूली का एक गोरख धंधा विधायक ने उजागर किया है। मावली विधायक धर्म नारायण जोशी ने अवैध वसूली करने वाले दस्ते को पकड़ा है। भीलवाड़ा के निकट परिवहन दस्ता अवैध वसूली कर रहा था। विभाग की परिवहन निरीक्षक को फटकार भी लगाई। अवैध वसूली का खेल नहीं थम रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, किस तरीके से अवैध वसूली यहां पर हो रही थी। विधायक इधर से गुजर रहे थे, मावली विधायक की निगाह जब इस पूरे के पूरे दस्ते पर पड़ी जो यहां पर अवैध वसूली कर रहा था, उन्होंने तुरंत इसे रोका, पकड़ा है। परिवहन निरीक्षक को मौके पर फटकार लगाई है अवैध वसूली करने के लिए। मावली के विधायक धर्म नारायण जोशी जयपुर से उदयपुर जा रहे थे, इसी दौरान रास्ते में भीलवाड़ा के पास यह दस्ता वसूली कर रहा था। भीलवाड़ा में अवैध वसूली का एक खेल और इसको उजागर किया है मावली विधायक धर्म नारायण जोशी ने। हाईवेज पर किस तरीके से अवैध वसूली का गोरख धंधा चलता है उसकी बांगी आपकी टीवी स्क्रीन पर। धर्म नारायण जोशी ने इसे उजागर किया। मावली के विधायक धर्म नारायण जोशी जा रहे थे जयपुर से उदयपुर और इसी दौरान भीलवाड़ा में बीच रास्ते में परिवहन दस्ता वसूली कर रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता राहुल कौशिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या है आखिरकार ये पूरा माजरा, कैसे ये पूरे अवैध वसूली के खेल को एक विधायक ने उजागर किया है? सर, ये उदयपुर के मामले के विधायक है धर्म नारायण जी जोशी, जो डीटीओ के जुड़े दस्ते हैं उसको वसूली करते हुए उन्होंने रगड़ा तो पकड़ा है। महिला इंस्पेक्टर जो है गार्ड की जेबों से चेकिंग करवाने को जब उन्होंने कहा कि आप इनकी चेकिंग कराइए, तो विधायक को देख के और वीडियो बनते हुए देख के ये लोग थान को छोड़ के भागने लगे और विधायक ने इनका पीछा भी करने की कोशिश की, इनसे सवाल पूछे, पर ये डर के भागने लगे। सर जी, अब इस पूरे मामले में क्या विधायक का क्या कहना है, क्या कोई कार्रवाई इन पर होगी जो यहाँ पर रोजाना अवैध वसूली करते हैं, जिस तरह के पहले भी आरोप लगते रहे हैं? सर, जिम्मेदार अधिकारी से परसों भी एक मामला हुआ था जिसमें एक ट्रोला निकल रहा था, उसको हाथ देकर रोका गया और उस ट्रोले वाले ने भी अवैध रूप से इनसे उसको लेने का आरोप लगाया था और तीन ट्रोले आपस में भिड़ गए थे। तब भी जिम्मेदार व्यक्ति से हमने बात की थी, उन्होंने अभी कहा था कि ऐसी कोई जानकारी आएगी तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी और विधायक ने कार्रवाई करने के लिए डीटीओ से संपर्क करने की कोशिश की, बट डीटीओ का यही कहना है कि जब जो भी चीज सामने आएगी उन पर अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन सवाल तो ये है ना राहुल, कि आखिरकार विधायक को कैसे ये पता चला और ये किस जगह पर एक्चुअली खड़े हुए थे, विधायक ने उस दौरान अपनी गाड़ी रोकी होगी, कैसे इनसे बात की, पूरा घटनाक्रम थोड़ा सा जरा विस्तार से समझाइए। जी, विधायक जब जयपुर से उदयपुर की तरफ निकल रहे थे तो भीलवाड़ा के रास्ता भीलवाड़ा के बीच के हाईवे की घटना है, जब विधायक ने देखा कि ट्रैक्टर वालों से पैसे लिए जा रहे थे तो विधायक ने अपनी गाड़ी रोकी और विधायक ने जो इंस्पेक्टर वहां खड़ी थी उससे पूछा था कि आप किस बात के यहाँ पे पैसे ले रहे हैं, तो इंस्पेक्टर ने कहा मैं ड्यूटी कर रही हूँ, तो विधायक ने कहा जब आप जो पैसे ले रहे हैं अवैध वसूली कर रहे हैं इसकी रसीद दिखाइए, इसी बात को लेकर पूरा ये मामला हुआ और जब इंस्पेक्टर और पुलिस वालों की सच्चाई सामने आ गई तो वो वहां से भागने लगे। इंस्पेक्टर कौन थी मौके पर, कोई जानकारी मिल पाई है? जी, इंस्पेक्टर का नाम है चंचल माथुर जी, जो वहां महिला इंस्पेक्टर थी वो मौके पर थी गार्डों के साथ और गार्ड भी भागते हुए दिखे और चंचल माथुर किसी संतोषप्रद जवाब विधायक को नहीं दे पाए। तो राहुल, क्या यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो जगह है जो तस्वीरों में हम देख पाते हैं, अमूमन इसी जगह पर ये जो दस्ता खड़ा होता है इसी जगह पर वसूली करता है? जी, इनके पॉइंट चेंज होते रहते हैं समय अनुसार, जहाँ गाड़ियों का आवाजाही ज्यादा हो जाती है समय के अनुसार वहां पे इनका दस्ता खड़ा रहता है। इस प्रकार के आरोप वहां के लोगों ने भी लगाए हैं, गाड़ी चालकों ने भी लगाए हैं और धर्म नारायण जोशी ने भी लगाए हैं। धर्म नारायण जोशी जो कि विधायक है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इंस्पेक्टर को बिना रसीद दिए हुए ड्राइवर से अवैध वसूली करते हुए गार्ड की जेब को जब मैंने चेक करना चाहा तो वो बचाव करने लगे और जगह छोड़ के निकल गए। और यही जो चंचल माथुर है, उन्होंने इसी बात जो इंस्पेक्टर थी वहां वो ये कह रही है कि मैं इस बारे में पता करूंगी और मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, इस प्रकार के बहाने
जो आप देख सकते हैं ये बना रहे हैं, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है डीटीओ की। जो स्थानीय लोग हैं, ट्रक चालक हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के, कि क्या यहाँ पर कितने समय से इस तरह की अवैध वसूली होती है? जी, स्थानीय जो चालक हैं या जो ट्रक चालक वहाँ से जो रोजमर्रा पे निकलते हैं, वो इस अवैध वसूली को लेकर परेशान हैं। कई प्रकार की घटनाओं का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। अचानक ये लोग सामने आ जाते हैं, ब्रेक लगाने पड़ते हैं ट्रकों का। मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ राहुल। यहाँ पर हमारे साथ धर्म नारायण जोशी खुद जुड़ चुके हैं, मावली विधायक। धर्म जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी नमस्कार, बताए भाई साहब। नमस्कार धर्म जी, हम ये जानना चाहते हैं क्या हुआ। दरअसल आप जब जयपुर से उदयपुर जा रहे थे, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं सड़क की। जी, क्या हुआ था? उदयपुर जा रहा था मैं, 4:00 बजे का टाइम था और भीलवाड़ा बाईपास पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी आरटीओ की, उसमें एक महिला इंस्पेक्टर बैठी हुई थी, 2-3 लोग वसूली कर रहे थे। तो मेरे ड्राइवर ने मुझे कहा भाई साहब वो वसूली कर रहे हैं और जेब में पैसे बटोर रहे हैं, जेब में रख रहे हैं, वापिस दे रहे हैं, ले रहे हैं ट्रक वालों को। भीड़ लग रही थी ट्रक वालों की, तो मैंने रुक के उनको पूछा भाई किस बात की वसूली कर रहे हो। तो फिर कौन है इंस्पेक्टर बोला, तो महिला को बोला वो आ गई। यहाँ आने के बाद उसको मैंने कहा भाई आप वसूली नहीं, साहब मैं चालान बना रही हूँ। मैंने कहा कितने घंटे से खड़े हो? 4 घंटे से। मैंने कहा चालान कितने बनाए मुझे बता दो। अभी मेरे सामने जो पैसे लिए उसका तो कोई चालान बनाया नहीं, बेचारा ट्रक वाला जिसकी बनियान फटी हुई थी उसे 500 रुपए ले लिया आपने। कहनी साहब ऐसा वैसा। मैंने कहा देखो ये गलत बात है, आप मास्क पहनो, महिलाएं काम करती है खोटा काम, इसलिए मुझे शर्म आ रही है महिलाओं पर भी। ऐसा करके मैं उसको वो वसूली तो कर ही रही थी आपके सामने, फिर उसको रवाना कर दिया मैंने। बाद में वो पुलिस वाला तो उसको उसने भगा दिया। मैंने कहा इसके जेब चेक करो कितने रुपए पड़े थे दोनों जेबों में और आपने कितने चालान बनाए। तो वो तो महिला तो उसने उसको इशारा किया, वो तो भग गया। ये कांड हुआ साहब। जी साहब, फिर आपने किसी को अवगत करवाया धर्म जी इस पूरे मामले को लेकर के, विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, कि ऐसे लोग जो अवैध वसूली करते हैं उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए? जी मैंने चिट्ठी आज बताई है, मैंने आज चिट्ठी भेज रहा हूँ, प्रशासन को भेज रहा हूँ, भीलवाड़ा कलेक्टर को भेज रहा हूँ और मंत्री को भी भेज रहा हूँ। ये जो इंस्पेक्टर थी मौके पर, वो उनका क्या नाम है? नहीं मैं इंस्पेक्टर मैं नहीं जानता हूँ कौन थी वो, मैं नहीं जानता। महिला थी वो, तो उसमें फोटोग्राफी मैं था रही वो। हाँ तो आपको धर्म जी उम्मीद है क्या कि कोई कार्रवाई इन पर होगी, होनी चाहिए आपके हिसाब से? ऐसा मैंने 2-3 बार पहले किया, तो मैंने प्रताप सिंह जी खाचीराज मंत्री थे उनको नामजद बताया मैंने, परंतु कार्रवाई कोई हुई नहीं अभी तक। तो कोई कार्रवाई नहीं है, इस सरकार से मुझे कोई अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि पैसे कलेक्शन पता नहीं ऊपर देने के लिए कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं इसको मैं जानता नहीं। ठीक है साहब। जी साहब जी, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ धर्म जी, कि आपने रास्ते में देखा आप रुक गए, वरना तो ये तो ऐसे ही चलता रहता। पहले भी यहाँ पर इसी जगह पर एक ट्रक चालक ने पूरा वीडियो बना करके सबके सामने लाया था। जी यहाँ पर मुझे भीलवाड़ा के पत्रकार का फोन आया। हाँ साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, 3 आदमी 4 साल में मर चुके हैं यहाँ पर, और 3 आदमी यहाँ मर चुके और 7-8 लोग यहाँ गए इसी जगह पर। तो आपने बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद का फोन आया था मेरे पास। जी मैं एक बात धर्म जी, न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से आप परिवहन मंत्री को, राज्य की सरकार को कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर के, इन तस्वीरों को लेकर के, कि एक जनप्रतिनिधि ने ये तमाम चीजें सामने रखी हैं, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए? निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होने से प्रतिबंध लगेगा। और इस सड़क पर जो लूट चल रही है गरीब लोगों से, ट्रक वालों से, और ये लूट बंद होनी चाहिए। मैं ये भी सरकार के आपके माध्यम ईटीवी के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से, बहुत बहुत न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सड़क पर जो लूट खुली चल रही है इसको बंद किया जाए। अगर जो कोई आदमी गलत चल रहा है तो गलत चल रहा है उसका चालान बनाओ, कोर्ट में पेश करो, परंतु जो खुली वसूली हो रही है बिना रसीद के उसकी मैं निंदा करता हूँ, सरकार से आशा करता हूँ सरकार इस पर कार्रवाई करे। जी तो आपने जब इनको रोका टोका तो इन्होंने कहा नहीं कि हम तो सही काम कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या फिर आप हमारी वीडियोग्राफी क्यों करवा रहे हो? शुरू में तो उससे एग्रेसिव हल्की सी हुई थी कि साहब मैं तो चालान बन रहा, मैंने बताओ चालान कितने हैं। हाँ। मैंने उनको भी कहा भाई मैं विधायक हूँ, तो उसके बाद एकदम ठंडी पड़ गई वो। अच्छा तो चालान तो कोई बता नहीं सकी। हाँ। तो भाई इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आप जानते हो चोर के पैर कितने, जो भागा आदमी देख रहे होंगे कैसे भागा पुलिस वाला। हाँ। कोई सोच सकता है कि ऐसे कोई पुलिस वाला आरटीओ वाला भागे नोट लेकर के? जी
तो आपको कम से कम अब धर्मनारायण जी अभी आप चिट्ठी लिखेंगे, लेकिन वहां के भी स्थानीय प्रशासन को अवगत करवाना चाहिए था कि इस तरह से देखिए, आप जिला कलेक्टर को भी अवगत करवा सकते थे कि आपके क्षेत्र में DTU जो है वो इस तरह से अवैध वसूली करते हैं। पत्र वीडियो आदि मैंने चिट्ठी बना दी और वीडियो भी मैंने छाट लिया, मैं उसको किसको चिट्ठी लिख रहे हैं आप जी, किसको लिख रहे हैं, मैं सुन नहीं पाया धर्म जी। जी कह रहा हूँ किसको चिट्ठी लिख रहे हैं, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आप क्या करेंगे फिर? न्यूज 18 की बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मामले को उजागर सख्त कार्रवाई करने की अपेक्षा करता हूँ। धर्म जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए, और इस बात के लिए भी कि आप सजगता के साथ सड़क पर चलते हैं, एक जनप्रतिनिधि का फर्ज निभाते हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल आपने सुना कि देखिए विधायक जो धर्म नारायण जोशी हैं वो ये कह रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं, हालांकि वो विपक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन वो इस बात को कह रहे हैं कि कहीं पर भी इस तरह से अवैध वसूली नहीं होनी चाहिए। उनको देखते ही वो पुलिस वाले जो DTO के लोग थे वो वहां से भाग गए। जी एक बहुत ही बड़ा विषय है, अगर देखा जाए तो ये पता करना बहुत जरूरी है कि किसके इशारे पे सब कुछ हो रहा है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, ये जो बंदीबाट हो रही है, जो अवैध वसूली हो रही है, किन लोगों में बटी है, और आज तक RTO या DTO की नजर क्यों नहीं खुली है, इस पर नजर क्यों नहीं गई है। कई प्रकार की घटनाएं इस प्रकार यहाँ पे हो चुकी है, आज विधायक ने खुद इस घटना को पकड़ा है, जो उच्च अधिकारी है, जो जिम्मेदार अधिकारी अभी तक मौन क्यों है, अभी तक चुप क्यों है इस पूरे मामले में। जी चलिए बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।